नल सेट के बारे में बताइए। सर ए सेट विच दैट नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट, और इसको डिनोट करने के लिए फाइ यूज लेते हैं। दैट एग्जांपल से एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन वन। तो लेस देन वन कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं सर ये एक नल सेट है या एम्प्टी सेट। ओके, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन? सर रिलेशन एंड फंक्शन से वो ग्रुप थ्योरी के टॉपिक हैं। ग्रुप थ्योरी में जब हम सेट पढ़ लेते हैं, तो जब कोई भी दो सेट जो कि नॉन एम्प्टी हो, उनका कार्टेशियन मल्टीप्लाई आता है, कार्तीय गुणा जिसे हम बोलते हैं, कार्तीय गुणा करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट प्राप्त होते हैं ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी का कोई भी छोटा सेट ले लीजिए, उपसमुच्चय ले लीजिए जिसे हम सबसेट बोलते हैं, टोटल जो ए क्रॉस बी में सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है सर, और जो रिलेशन है उनकी टोटल जो नंबर है वो 2 की पावर mn। यदि फर्स्ट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन, देन जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो 2 की पावर mn होंगे। जबकि जो फंक्शन है सर, वो फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि जो हम रिलेशन बना रहे हैं, उस रिलेशन में जो फर्स्ट जो सेट लिया था हमने, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए थे, फर्स्ट जो सेट है उसके जो ईच एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का मतलब उसमें कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ईच एलिमेंट का जो आगे हम इमेज देख रहे हैं कोडोमेन में, वो अद्वितीय होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उसकी। कोई भी एलिमेंट दो बार कोडोमेन से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा उसे ही हम फंक्शन कहेंगे, यानी हम बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। ओके, डिफाइन मी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर सच दैट फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे क्या होगा सर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें एक तो आपके पास वास्तविक यानी रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है सर, ये जो संख्याएं होती हैं सेमिस्टर होती हैं, मिश्रित संख्याएं होती हैं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। जहाँ पर ए रियल पार्ट है 5, 6, 7 एच, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ हम आयोटा लगाते हैं। यहाँ पर आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन होता है। तो ए प्लस आयोटा बी यानी रियल प्लस इमेजिनरी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम सेमिस्टर बोलेंगे। और हम कह सकते हैं कि जो ऑल नंबर होते हैं दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिकॉज हम प्लस जीरो आयोटा लिख ही सकते हैं। जैसे 7 + 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 7 रियल नंबर है, प्लस जीरो आयोटा लिखते ही वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो टोटल नंबर हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रियल नंबर हो, अपरिमेय संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो, सब के सब सबसेट हैं, छोटे सेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। राइट, यानी होल नंबर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मुझे बता सकते हो कि मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल सर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ज्योमेट्री प्लेन में डिनोट करते हैं, तब ये दो जो नेम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, मॉड्यूलस क्या होता है सर, जैसे ही हम इसको 2D प्लेन में लेते हैं ए प्लस आयोटा बी को, तो इसको पॉइंट फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी को ए बी लिख लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस है रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे, वो इसके मॉड्यूलस को दर्शाएगा। तो a प्लस आयोटा बी का जो मॉड्यूलस है उसको r इजिकल टू, ये एक डिस्टेंस ही होती है रियलिटी में जब हम इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो r इजिकल टू रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और जो इसका आर्ग्यूमेंट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होगा सर, आर्ग्यूमेंट है वो जो कोई भी हमने पॉइंट लिया है, जो हमने ज्योमेट्री में ज्योमेट्री प्लेन में कोई भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, उसको जो ओरिजिन पॉइंट से लाइन मिलाएगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसी को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। okay. और इस एंगल को जो निकालने का तरीका होता है
वो ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, क्योंकि हम इसको घटकों में वियोजित करके जैसे फिजिक्स में करते हैं सिखाते हैं, दो ट्राइंगल लेकर वहाँ से आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा फाइंड करते हैं, और ये कॉम्पोनेंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ जाता है। और ये एंगल, यानी हम सिंपल वे में बात करें तो जो एंगल होगा वो होगा अपना आर्ग्यूमेंट, एंड जो ये डिस्टेंस होगी वो अपना होगा मॉड्यूलस। ओके, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। यू आर ऑलरेडी हैविंग एक्सपीरियंस, है ना? Yes, कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको? आई हैव ए सेलिब्रियंस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर 3 years। वेरी गुड, ये 3 सालों में आपने बहुत अच्छा नॉलेज लिया है और मैं आपके लिए बहुत क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आज। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और उनको एलैबोरेट करके बताएंगे। यस सर। क्योंकि अपना जो अल्टीमेट पर्पस है वो है डिफाइन प्रॉपरली। इट इज नॉट दैट ओनली आई एम सपोज टू गो विद दिस इंटरव्यू, पर मेरा मोटो है कि आप उस चीज को इतना एलैबोरेट करिए ताकि बेनिफिट्स भी मिले सोसाइटी को। चलिए मुझे ये बताइए, व्हाट इज लॉगरिथम प्रॉपर्टी? सर, लॉगरिथम हैव मैनी प्रॉपर्टी, जिसमें से कुछ एक मैं डिफाइन कर रहा हूँ। yes. सबसे पहले जो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है, हाँ जी, वो है log p टू पावर n। okay. n log p यानी जो पावर है, yes, वो log में हमेशा ही आगे आ जाती है। okay. सेकंड, जिसे हम डॉट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, log के अंदर जब दो नंबर्स डॉट में हो, a डॉट p, तो उसे हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। लॉग के अंदर यदि डिवाइड में हो, लॉग ए अपॉन बी, तो उसे हम लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। और एक बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है। लॉग की जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है वो लॉग ए बेस टू की पावर बी है, तो उसे हम लिखेंगे लॉग ई बी अपॉन लॉग ई ए। कहने का मतलब जिस बेस में हमें बनाना हो राइट उसको अपोन में लिख लेते हैं। जैसे लॉग ई में बनाना है तो लॉग ई अपोन लॉग ई लिख लेते हैं, और जो हमारा पहले लॉग ए टू पावर ए बेस टू पावर बी था, बी ऊपर ए नीचे, सेम टू सेम उनको लिख देते हैं। तो ये हमारी बेस चेंज प्रॉपर्टी रहती है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यूज आती है। ओके, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? सर, जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब हम कोई भी बाइनोमियल जो टर्म है उसका एक्सपेंशन करते हैं, तो वहां पर एक थ्योरम आती है जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम होती है, वो x प्लस वाई की पावर n होती है और इसमें n प्लस वन टर्म होते हैं, और ईच टर्म में एक कोफिशियंट यूज होता है जिसको हमें फाइंड करने का तरीका NCR से मिलता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, और n में से r जो थिंग्स हैं उनको सिलेक्शन करने के जो टोटल वे हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कहा है, अरेंजमेंट नहीं कहा है, अरेंजमेंट से या परम्यूटेशन हो जाता है, सिलेक्शन करने के जो टोटल वे हैं उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो एनसीआर की सहायता से हम वहां पर टोटल बाइनोमियल कोफिशियंट जो उस बाइनोमियल थ्योरम में यूज आते हैं फाइंड कर सकते हैं। यहां पर NC0 से NCN तक टोटल बाइनोमियल कोफिशियंट होते हैं, और ये n प्लस वन बाइनोमियल कोफिशियंट होते हैं, यानी x प्लस वाई की पावर 3 है तो उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट 4 होंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं n तक जाता है। ठीक है सर, टोटल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ, अगर हम टोटल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट देखते हैं तो 2 की पावर n होता है सर। ओके, जैसे हमें x प्लस वाई की पावर 3 में टोटल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, यानी जो इसमें 4 बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, ये 4 जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इनका सम 2 की पावर n होगा। n मैंने यहाँ पे 3 बोला तो 2 की पावर 3 यानी 8 यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होगा। okay. तो सम फाइंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है सर, 2 की पावर n कर दो, n यहाँ पे जो पावर हमें बाइनोमियल जो टर्म है उसमें गिवन होगी। ओके, व्हाट इज इन वेक्टर a डॉट b एंड a क्रॉस b? सर, वेक्टर में जो ए डॉट बी होता है उसका मीन होता है कि डॉट प्रोडक्ट, यानी कोई भी टू वेक्टर का हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किस टाइप से करें कि जो हमें प्राप्त होने वाली राशि है वो स्केलर हो, अदिश हो। तो हमें इसमें एक ऐसा नियम यूज लेना होता है जो कि नियम मैं आपको बताना चाहूंगा, आई डॉट आई इजिकल टू जे डॉट जे इजिकल टू के डॉट के इजिकल टू 1, और आई डॉट जे इजिकल टू जे डॉट के डॉट आई, यदि सेम नहीं है
उनको जीरो। ये नियम यूज लेते हुए हम यदि प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा ही आई जे के खत्म हो जाएंगे और अपने पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू फाइंड होगी एक स्केलर, तो हम उसे अदिश गुणनफल बोलेंगे या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या ए डॉट बी बोलेंगे। अगर बीच में एंगल गिवन है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा मोड ए मोड बी कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। जबकि मैं बात करना चाहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है सर, जो टू वेक्टर्स हैं उनको इस टाइप से मल्टीप्लाई करना होता है, इस नियम से, एक नियम से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि जो हमें प्राप्त होने वाली वैल्यू है जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त करते हैं वो एक क्या होगी, वेक्टर होगी। यानी ए क्रॉस बी करें तो हमें प्राप्त वेक्टर होगा, डॉट करेंगे तो हमें प्राप्त स्केलर होगा। तो ए क्रॉस बी के लिए जो नियम है वो यही है सर कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यानी जो सेम का मल्टीप्लाई जो हमने डॉट में वन बोला था यहां पे जीरो बोलेंगे, जस्ट अपोजिट। एंड आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, एंड आई क्रॉस जे के होगा। तो इस नियम से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर जो क्वांटिटी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, और यदि बीच में एंगल दिया है उसी तरीके से तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हमें मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ पे एन कैप होता है वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जो कि ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। और इसकी एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसमें रूल यूज मत लीजिए, डिटर्मिनेट यूज ले लीजिए, आई जे के लिख लीजिए ऊपर, नीचे फर्स्ट वेक्टर वाले जो भी आपके, जिसे आप डी रेशियोज बोलते हैं, ए बी सी, ए वन बी वन सी वन, और सेकंड वेक्टर के ए टू बी टू सी टू, ये थ्री क्रॉस थ्री का एक डिटर्मिनेट बना लीजिए और डिटर्मिनेट सोल्व कर लीजिए तो भी, जिसे सारणिक बोलते हैं, तो भी हमारे ए क्रॉस बी फाइंड हो जाएगी। वेरी गुड, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है मुझे लगता है कि सोसाइटी पर्पस से बहुत बेनिफिट देगा आपका रियल में। थैंक यू। चलिए मुझे बताइए कि सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस और मुझे डिफरेंस ही बताना आप आगे, सीरीज और प्रोग्रेशन में डिफरेंस, पर पहले सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर, सीक्वेंस है वो एक टर्म होता है, राइट, और इस टर्म से ही हमें फाइंड होती है जो प्रोग्रेशन और सीरीज। टर्म्स इस टाइप का होता है सर, इसमें एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो नेचुरल पुट करेंगे, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बिल्कुल, यानी हम ये बोल सकते हैं एक टर्म हुज डोमेन, विच डोमेन इज नेचुरल नंबर, डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए। डोमेन क्या चीज होती है वो भी मैं बताना चाहूंगा, हम ग्रुप थ्योरी में यूज लेते हैं सर, पीछे हमने डिस्कस भी किया था जब हमने जो रिलेशन और फंक्शन के बारे में देखा था। तो डोमेन होता है सर वो प्रांत होता है, जब हम कोई वैल्यू पुट करते उसे हम डोमेन कहेंगे, जो हमें फाइंड होती है उसे हम रेंज कहेंगे। जो पुट करने वाली वैल्यू है वो नेचुरल नंबर पुट कीजिए आप, तो हमेशा ही हमें कुछ वैल्यूज फाइंड होंगी। उन वैल्यूज को यदि आप एक सीक्वेंस से रख देते हैं तो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है। तो यानी हम कह सकते हैं सर सिंपल वे में, सीक्वेंस सीरीज फाइंड करने का एक टर्म है। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ए इसे सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए ए एन या टी एन से यूज लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। अब एन की वैल्यू वन पुट कीजिए तो ए वन फर्स्ट टर्म आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन, सेकेंड टर्म फाइंड करना है टू पुट, थर्ड टर्म फाइंड करना है थ्री पुट, ऐसे पुट कर करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उनको यदि हम एक सीरीज में रख देंगे उसके दो टर्म के बिटवीन प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, डिवाइड का साइन हो सकता है, ये टोटल क्या है, सीरीज है सर। राइट, अगर प्रोग्रेशन की बात करें तो ये टोटल जो सीरीज है वो सीरीज एक फिक्स रूल के तहत आई हुई हो, यानी एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती हो। बिल्कुल, फर्स्ट टर्म से जो सेकंड टर्म हमें फाइंड हो रहा है वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हो सकता है वो पैटर्न कुछ कॉम्पोनेंट उसमें प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है डिवाइड हो, और हो सकता है मल्टीप्लाई हो, जो हमारे मैथमेटिक्स में ये चार ऑपरेशंस होती हैं। इन ऑपरेशंस लगकर हम हमारे से जो कोई सीरीज बनती है उसे हम क्या कहेंगे,
प्रोग्रेशन कहेंगे, और इसी जो ऑपरेशन है इसके आधार पे आगे इनको डिवाइड किया गया है, जैसे एपी, जीपी, एचपी। एपी में क्या होता है, यदि प्लस या माइनस, यानी फर्स्ट टर्म में कोई सेकंड टर्म कोई फिक्स वैल्यू प्लस या माइनस होके अगली वैल्यू आ रही है तो उसे हम एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं हम, और मल्टीप्लाई या डिवाइड होके आ रही है तो उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, और थर्ड जो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टडी करते हैं वो जो एपी होती है उसका रेसिप्रोकल होती है सर, तो उसके रेसिप्रोकल को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। वेरी गुड। अब मुझे आप डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सर टू लाइंस, अगर हमें लाइंस की फॉर्म, मैनी फॉर्म होती हैं सर, और हमें जनरल फॉर्म जो होती है, चाहे कोई सी भी लाइन की फॉर्म हो, उसको सोल्व करने के बाद हमें जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ही प्राप्त होती है। ओके। और वो लाइन की इक्वेशन होती है ax plus by plus c, और लाइन यदि पैरेलल है तो x और y के जो कोफिशियंट हैं वो सेम रहने चाहिए, वो इसलिए कि पैरेलल लाइन वही होती है जिनका स्लोप इक्वल होता है, और स्लोप डिपेंड करता है एक्स वाई के कोफिशियंट पे। तो फर्स्ट लाइन होगी यहाँ पे ax plus by plus c1, सेकेंड ax plus by plus c2, यानी ए और बी को हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये टू लाइंस हैं, इनके बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, c2 टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और इसका मॉडुलस भी ले लेंगे क्योंकि वी नो डैट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। okay. तो इस वजह से हम आसानी से इसकी टू पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। कैन यू टेल मी द फोकस ऑफ एक्लिप्स, एलिप्स का फोकस क्या है? एलिप्स की फोकस है, वो डिपेंड करती है सर कि एलिप्स है कौन सा। राइट। वो एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बनाए या वाई एक्स के रिस्पेक्ट में बनाए। तो इसमें सिंपल वे यही है सर कि यदि एलिप्स एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है, यानी एक्स एक्स के प्रति सममित है, सिमेट्रिक है, देन जो इलिप्स की फोकस होगी वो प्लस माइनस ए ई जीरो होगी। यहाँ पे ई इसेंट्रिसिटी होती है, जिसे हम जब कॉनिक सेक्शन स्टडी करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टोटल जो फिगर हैं, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पॉइंट हो, लाइन हो, टोटल जो ये फिगर हैं वो कॉनिक सेक्शन से आती हैं। तो जब कॉनिक सेक्शन में एक फिक्स लाइन होती है और एक फिक्स पॉइंट होता है, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन फिक्स लाइन से डिस्टेंस, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, वो इसमें यूज लेनी होती है। ओके। तो यदि एक्स एक्सेज वाला इलिप्स है, यानी एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इजिकल टू वन, ए ग्रेटर देन बी है, देन इसकी जो फोकस होंगी वो प्लस माइनस ए ई जीरो होंगी। okay. और ये हमेशा ही इसके मेजर जो एक्सेज है, यानी जो दीर्घ अक्ष है, उसके ऊपर होगी हमेशा ही। और यदि वाई एक्सेज वाला है तो वाई एक्सेज का पॉइंट होगा, यानी जीरो और प्लस माइनस बी ई, यहाँ पर ई इसेंट्रिसिटी है। फर्स्ट वाला यदि इलिप्स है तो उसको इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का तरीका बी स्क्र इजिकल टू ए स्क्र वन माइनस ई स्क्र होता है, और सेकंड यदि इलिप्स है तो उसकी इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता फाइंड करने का तरीका ए स्क्र इजिकल टू बी स्क्र वन माइनस ई स्क्र होता है। वेरी गुड। आई होप कि ये जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत मोटिवेट, अच्छा है। yes. और ये मुझे लगता है सोसाइटी को बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि आपका जो वे एक्सप्लेन करने का वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक यू। तो मैं जैसा कि मैथ बैंकिंग के मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चंस होने चाहिए। mm-hmm. और हमारे पास ऑब्वियस एनबीएस कैंडिडेट है, शायद ये भी आप लोगों से पूछ ले बहुत से क्वेश्चंस। okay, तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और भी होने चाहिए। थैंक यू सर। चलिए फिर अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि व्हाट इज द इंटरसेप्ट फार्मूला, व्हाट डज इट मीन? सर ये एक 2D का पॉइंट है। ओके। यदि हमारे पास टू पॉइंट गिवन है और कोई लाइन उनको मिला रही है, ज्वाइन कर रही है, तो उनको कोई भी इंटरसेप्ट कर रहा हो पॉइंट, और रेशियो गिवन हो। ओके। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 है, सेकंड पॉइंट x2 y2 है, और उसको कोई लाइन मिला रही है, ज्वाइन कर रही है। यस। कोई थर्ड पॉइंट r इंटरसेप्ट कर रहा है m1 रेशियो m2। ओके। देन उस r के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। यहां पर कुछ एक कंडीशंस बता देता हूं सर मैं आपको। ये तो जब कोई पॉइंट r m1 रेशियो m2 में इंटरसेप्ट करे तब ये पॉइंट होता है। okay. यदि इसको यही टू पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और इसको कोई लाइन मैच कर रही है और इसको कोई x अक्ष इंटरसेप्ट कर जाए,
तो सिंपल वे है, x एक्स इंटरसेप्ट करेगा तो x जीरो पॉइंट होगा और y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो रेशियो फाइंड करेंगे वो माइनस वाई वन रेशियो वाई टू होगा। वाई एक्स एज इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये रेशियो माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू होगा, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और इसको कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है तो ये रेशियो माइनस लाइन में ऊपर ये पॉइंट लिख दीजिए और अपॉन में नीचे ये पॉइंट लिख दीजिए, माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी। सिंपल सा काम है। आप कोई पॉइंट इंटरसेप्ट करे तो भी इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो, एक्स एक्सेज इंटरसेप्ट करे तो भी, वाई एक्सेज तो भी, और कोई लाइन अपने जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो फॉर्म में इसको इंटरसेप्ट करे तो भी डायरेक्ट आप ये इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूले से डायरेक्ट लगाए बिना आप फाइंड कर सकते हो, जो कि मैंने मेथड बता दिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मुझे बताइए आप, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कैलकुलस सर। ओके, और डिफरेंशिएशन है उसमें जब हम डी अपॉन डी एक्स सीख जाते हैं, यानी ये होता है जो हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज में परिवर्तन करना सीख जाते हैं। रियलिटी डिफरेंशिएशन का जो रियल जो मीन है वो परिवर्तन ही है। बिल्कुल। तो इसके जो हम दैनिक जीवन में भी उपयोग लेते हैं वो उपयोग क्या है वो मैं बता देता हूँ सर। इसके जो हमारे ट्वेल्थ क्लास है उसमें पाँच उपयोग इसके अच्छे तरीके से स्टडी करवाए जाते हैं, जिनमें है चेंज ऑफ क्वान्टिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉर्मल एंड टेंजेंट, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यानी हम इसमें कोई भी क्वांटिटीज है उसमें चेंजिंग निकाल सकते हैं। जहाँ से जैसे हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, फिर हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। यानी चेंज करेंगे तो अपने पास जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है उनको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम कोई भी फंक्शन को ये बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है यानी बढ़ने वाला फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। इसके अलावा हम यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, कोई भी लाइन की जो ढाल फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंशिएशन की सहायता से सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कोई भी फंक्शन की, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं जिसे हम सन्निकटन मान बोलते हैं। कोई भी कितनी ही बड़ी संख्या हो हम उसका रूट, पावर 1/10, 1/11 जैसे 0.009 की पावर 1/50 भी फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की सहायता से। नाइस। डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड डिफरेंशियल स्फीयर के बारे में बताइए सर। सर्किल और जो स्फीयर हैं, यस, वो फिगर हैं। ओके। और हम इनको 2D में और 3D के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। राइट। हमें इनमें डिफरेंस देखना है तो सबसे मेन डिफरेंस यही होता है सर, सर्किल में क्या होता है कि एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट यूज लेकर सर्किल की इक्वेशन बनाई जाती है, और जो अपना स्फीयर है जिसे हम गोला बोलते हैं, राइट, उसमें एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट यूज आते हैं। ओके। हम कह सकते हैं जितने भी 2D की शेप्स हैं सारी की सारी इमेजिनरी शेप्स होती हैं, जबकि 3D की शेप्स हैं वो ओरिजिनल शेप्स होती हैं। इनमें वॉल्यूम भी होता है, जबकि 2D की शेप्स में ओनली एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता। राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो टोटल जो थिंग्स होती हैं सर वो सारी की सारी 3D में होती हैं। ओके। अगर हम इक्वेशन के तौर पे इनमें डिफरेंस देखें तो उनमें केवल जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हमें दिखेगा। हम यदि सर्कल की जनरल इक्वेशन देखें तो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होती है। यहाँ पर इसका सेंटर -g - f रहेगा और इसकी जो रेडियस है वो √g² + f² - c रहेगी। और यही बात हम स्पेयर की करें तो यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d होती है, और यहाँ पर जो इसका सेंटर रहता है वो -v - u - v - w रहता है, और इसकी जो रेडियस है वो √u² + v² + w² - d होती है। Right. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेनली इनमें जो डिफरेंस है इक्वेशन के तौर पे हम देखें तो जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स?
सर जो अपने पास जो फंक्शन होते हैं उन चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो एल्जेब्रिक फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्री हो एक्सपोनेंशियल हो तो इन सभी में यदि कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तब वहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन को सोल्व करने का मेथड है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज लेते हैं। इसमें एक फंक्शन को हमें फर्स्ट और एक फंक्शन को हमें सेकंड, क्योंकि टू फंक्शन से वो मल्टीप्लाई में है तो एक को फर्स्ट और सेकंड को दूसरे को सेकंड मानकर एक फॉर्मूले के द्वारा हमें इस मेथड को सोल्व करना होता है। क्योंकि सर हम जानते हैं इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस रखता है तो इस वजह से हमें ये सोल्व करने का एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हमें फर्स्ट फंक्शन u ले लिया सेकंड v ले लिया तो इसका इंटीग्रेशन होगा u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन v होल इंटीग्रेशन प्लस c। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कॉनिक सेक्शन के बारे में क्या जानते हैं आप? जैसा कि सर मैंने आपको बताया ज्योमेट्री जो है मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है और उसी का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ सर कि जो ये टोटल हम सेवन फिगर टू डी के अंदर पढ़ते हैं चाहे वो पॉइंट हो लाइन हो लाइन पेयर हो पैराबोला हो इलिप्स हो हाइपरबोला हो चाहे सर्किल हो ये टोटल फिगर कॉनिक सेक्शन से ही हमें फाइंड होती है। कॉनिक होता है वो टू लाइन्स, यदि एक लाइन को हमने फिक्स्ड रखा सेकेंड लाइन को हमने उस फिक्स्ड लाइन के एक फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट कराया तो वहां पर एक डबल कोन जैसी फिगर बनती है जिसमें एक कोन सीधा और एक कोन उल्टा जैसे एज ए डमरू। तो इस टाइप की जो फिगर होती है उसको एक प्लेन से काटा जाता है यानी इंटरसेप्ट करवाते हैं तब हमें जो फिगर फाइंड होती है वो कॉनिक सेक्शन से फाइंड फिगर बोली जाती है। कॉनिक किसे बोले, डबल कोन को ही हम कॉनिक बोलेंगे सर। अब यदि हम इसे प्लेन से इंटरसेप्ट कर रहे हैं और वो इसके वर्टेक्स से जहाँ पर कोन जॉइंट है वहाँ से इंटरसेप्ट कर रहा है तो हमें फर्स्ट थ्री फिगर यानी पॉइंट लाइन एंड लाइन पेयर मिलते हैं और यदि वो वर्टेक्स से नहीं जाते हुए इंटरसेप्ट करता है तब हमें जो पैराबोला है इलिप्स है हाइपरबोला है सर्कल है वो मिलते हैं और ये इंटरसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे करता है सर तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट फिगर फाइंड होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप से थ्री फिगर और सेकंड स्टेप से फोर फिगर टोटल सेवन फिगर हम ज्योमेट्री में अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं सर। ओके, व्हाट इज अ प्लेन इक्वेशन? सर प्लेन जैसा मैंने आपको बताया 3D का टॉपिक है, जो 2D में लाइन है वो 3D में प्लेन का काम करेगी। क्योंकि जिस टाइप से 2D का जो सर्किल है वो 3D में गोला बनता है अपने को पता है और 2D का जो घन है वो 3D में 2D का जो स्क्वायर यानी वर्ग है वो 3D में अपने घन टाइप दिखाई देता है उसी टाइप जो लाइन है वो 3D में प्लेन दिखाई देती है सर। तो प्लेन की जो इक्वेशन है वो जेड कोऑर्डिनेट, जैसा मैंने बताया जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है 3D में तो मैंने जो 2D में लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c = 0 इसमें जेड कोऑर्डिनेट आप बढ़ा दीजिए तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 प्लेन की इक्वेशन होगी। ओके, आपने मुझे बताया अबाउट प्लेन इक्वेशन, अब मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है आपसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन यानी कि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कितना रहता है, क्या ये बता सकते हो? बिल्कुल सर, बताइए। जिस प्रकार से 2D में फाइंड करते हैं पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस उसी टाइप से सेम यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस। पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो लाइन प्लेन में वो पॉइंट पुट अप कर दीजिए। यानी हमें x1 y1 z1 कोई पॉइंट गिवन है और ax plus by plus cz plus d = 0 कोई प्लेन गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो x1 y1 z1 पुट हो जाएगा अंदर तो हो जाएगा ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन रूट a² plus b² plus c². तो ये सिंपल वे होता है, जो xyz के कोफिशिएंट हैं उनको अपॉन में रूट a² प्लस b² प्लस c² कर दीजिए और ऊपर जो अपना न्यूमिनेटर है उसके अंदर xyz हमें क्या करने हैं पुट करने हैं। सिंपल सा वे है, हमें दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी सेम टू सेम, ऐसा ही 2D में होता है। वेरी गुड, 3D लाइन जनरल इक्वेशन के बारे में बताइए अब आप।
सर 3D की जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो 2D की लाइन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते डिफरेंस में होती है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ 3D में जो डायरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा यूज आती है, क्योंकि 3D है वो बिना डायरेक्शन के एक टाइप से अधूरी है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं डायरेक्शन जहाँ पे यूज लेंगे वहाँ वेक्टर भी यूज आएगा, राइट। तो सदिश यूज लेते हुए हम इसकी टू टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट जो 3D की लाइन की जनरल इक्वेशन है वो यदि हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होती है, जहां a वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है और b वेक्टर वो पॉइंट है जिसकी लाइन पैरेलल है। यानी a वेक्टर से पास होने वाली और b वेक्टर के पैरेलल लाइन का इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होती है। यदि हम कार्टेशियन पॉइंट की बात करें, यदि कोई कार्टेशियन फॉर्म में हमें ये फाइंड करनी है तो r वेक्टर की वैल्यू एक्स आई वाई जे जेड के रख दीजिए, a वेक्टर की वैल्यू कोई भी एक पॉइंट x1 y1 z1 और b वेक्टर की वैल्यू कोई भी a b c पुट अप करेंगे हम तो हमें यहाँ पर एक कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी फाइंड हो जाएगी, जहाँ पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिससे वो पास होती है और a b c वो पॉइंट हैं जिसके वो पैरेलल हैं। हम यहाँ पे 3D में जिसके लाइन पैरेलल होती है उनके लिए एक नाम यूज लेते हैं जिसे डी रेशियोज या दिक अनुपात बोला जाता है। तो हम यहाँ पे एबीसी को डी रेशियो भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डीई? जनरल कोई भी डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन हम टू टाइप के फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड पार्टिकुलर फंक्शन। ओके, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है सर, जो अपनी इक्वेशन है वो जिस ऑर्डर की है उतने ही उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं। ओके, जैसे टू ऑर्डर की है तो जनरल सॉल्यूशन में टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिलेंगे। थ्री ऑर्डर की है थ्री आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिलेंगे। पार्टिकुलर फंक्शन में इन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुटअप कर दी जाती है एक सिचुएशन के माध्यम से, तो वहां पर जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हैं उनकी वैल्यू शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर के इक्वल टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोटि के बराबर ही स्वेच्छ अचर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं कोई भी डीई का। और जनरल सॉल्यूशन से ही हम डीई फाइंड कर सकते हैं और डीई से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जबकि हम जो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उससे हम वापस डीई फाइंड नहीं कर सकते, ये हमें पता चलता है जनरल सॉल्यूशन से। तो जनरल सॉल्यूशन जब भी हमें फाइंड करना हो इंटीग्रेशन यूज लिया जाता है, ये चीज हमें डिफरेंशिएशन यूज लिया जाता है सर इंटीग्रेशन यूज लिया जाता है सॉरी मैं माफी चाहूंगा और जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी हो जनरल सॉल्यूशन से तो हमेशा ही डिफरेंशिएशन यूज लिया जाता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल सर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप होती है। okay. हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थ्री टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट होती है वेरिएबल सेपरेशन होने वाली, जिससे वेरिएबल सेपरेट करके हम वहाँ पर जो अभी हमने जो जनरल सॉल्यूशन का डिस्कस किया था वो फाइंड कर सकते हैं। सेकंड होती है होमोजीनियस, कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका डिफरेंशियल होमोजीनियस वाले? हाँ अभी बताएंगे सर, जो होमोजीनियस है वो सेकंड और थर्ड लीनियर, तो हमें यहाँ पे होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करना है। यस, तो होमोजीनियस इक्वेशन है वो dy अपॉन dx इजिकल टू fy अपॉन x, यानी टोटल जो टर्म है वो y अपॉन x के रूप के होने चाहिए, इनके अलावा ओनली कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल कोई नहीं होना चाहिए, यानी टोटल टर्म में y अपॉन x होना ही चाहिए। या सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है वो ये यूज ले सकते हैं अपन कि प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल्स है उनकी पावर का सम सेम होना चाहिए, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम सेम होना चाहिए। तो ऐसी जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, टोटल टर्म हमें y अपॉन x फॉर्म में दिखाई देंगे तो y अपॉन x इजिकल टू वी, y इजिकल टू वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वी प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, पुट अप करते हैं वेरिएबल सेपरेशन हो जाता है, दोनों पार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट हम इंटीग्रेशन यूज ले लेते हैं और हमें
जब एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इस टाइप से हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए टोटल सम ऑफ इंटरनल और एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन एंड सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। बिल्कुल सर, आपने ये अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पुटअप किया है। पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो टोटल सम होता है वो n माइनस 2 इंटू 180, इसे आप 2n माइनस 4 इंटू 90 से भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे बाहर तो 180 हो जाएगा। हाँ, यदि प्रत्येक एंगल हमें फाइंड करना हो तो इनकी साइड्स का जो n साइड हैं उनका डिवाइड कर देंगे, यानी n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, इससे जो ईच इंटरनल एंगल है वो फाइंड हो जाएगा। और टोटल का सम देखना है तो n माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा। यदि साइड्स का डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल फाइंड हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि सर्कुलर परम्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? सर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इट्स ए वेरी इजी टॉपिक इन मैथमेटिक्स। सर्कुलर परम्यूटेशन से पहले मैं परम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। परम्यूटेशन टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं, नंबर्स के अरेंजमेंट्स होते हैं, और इसमें हमें कोई राउंड टेबल या कोई सर्किल के चारों ओर अरेंजमेंट्स करने होते हैं। तो कोई भी लाइन में यदि हमें अरेंजमेंट्स करने होते हैं तो वो फैक्टोरियल लाइन होते हैं सब। टोटल जो थिंग्स होती हैं उनमें एक का प्लेस फिक्स कर दिया, फिर उसका प्लेस फिक्स हो गया तो फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, डॉट 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 वन तक जाएंगे, तो ये फैक्टोरियल लाइन होता है। सिंपल सी बात है, लेकिन हमें राउंड टेबल के चारों ओर यानी सर्किल में हमें अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए हमें एक व्यक्ति को पहले फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जब हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं किसी राउंड टेबल के चारों ओर तो वहाँ पर हमें यह नहीं पता कि एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज। जब एक व्यक्ति को फिक्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके एंटी क्लॉकवाइज आधे एक टाइप तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और उतने ही उसमें और प्लस कर देंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होंगे उतने ही उसके क्लॉकवाइज होंगे। तो इस टाइप से हमें जिस व्यक्ति को फिक्स कर दिया है उसका प्लेस फिक्स हो गया इसलिए उसको नहीं गिनते, तो हमारे जो टोटल परम्यूटेशन होते हैं वो फैक्टोरियल एन नहीं होकर फैक्टोरियल एन माइनस वन होते हैं। इसमें यदि एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन पूछे तो फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन टू कर देंगे, क्लॉकवाइज पूछे तो फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन टू सेम ही होंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसमें कई बार सर ऐसा भी पूछ लिया जाता है जो हमारे राउंड टेबल के चारों ओर हमें कोई भी व्यक्तियों को सेट करना है उसमें से जैसे अपने पास 12 व्यक्ति हैं और उसमें से हमें 8 को राउंड टेबल के चारों ओर बिठाना है, कितने तरीके से बिठा सकते हैं अपन? तो उनके लिए सिंपल वे है, आप एन पी आर ज्ञात कीजिए यानी 12 पी 8 ज्ञात कीजिए और उसमें 8 का डिवाइड कर दीजिए यानी 1/n n pr। सिंपल सा वे है, कुछ चुनकर भी हम किसी राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से सर्कुलर परम्यूटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इंग्लिश टीचर आई बिलीव आज तो मैं मैथमेटिक्स टीचर भी बन गया। व्हाट इज लीनियर डीई एंड इट्स सॉल्यूशन? जैसा हमने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा इसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के जो 3 वे बताए थे, फर्स्ट वेरिएबल सेपरेशन था, होमोजीनियस के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया, पूछा था मैंने। अब थर्ड सर लीनियर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q या dx अपॉन dy प्लस p'x इक्वल टू q1, इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन एलजेब्रा में पढ़ते हैं x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसी टाइप की ये होती हैं dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू c। ऐसी जो लीनियर में मैच खाती हुई इक्वेशन होती हैं वो टोटल इक्वेशन लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है उनको। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज लेते हैं और ये मेथड है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीग्रेंड फैक्टर फाइंड करना होता है जिसे हम समाकल गुणक बोलते हैं, जिसे हम if से डिनोट करते हैं, if इक्वल टू e की पावर pdx। और यदि मैंने सेकंड टाइप की जो लीनियर इक्वेशन बताई उसके लिए if फाइंड करना है तो e की पावर pdy से फाइंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइप में जो p होता है वो x का फंक्शन होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x होगा, और सेकंड में जो अपना p होता है y का फंक्शन होता है इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट y होगा।
तो सर इंटीग्रल फैक्टर फाइंड हो गया, तो फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y गुणा if इक्वल टू q गुणा if dx प्लस c, यानी y गुणा if, if जो हमने फाइंड किया e की पावर pdx, तो y गुणा e की पावर pdx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुणा if dx प्लस c। इसमें सबसे ज्यादा जो हमने पीछे डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि q गुणा if में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे, सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस जो इंटीग्रेशन है उसको सोल्व किया जाता है। तो सिंपल सी अवे है, p और q फाइंड कीजिए, सेकेंड टाइप इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कीजिए आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, थर्ड y गुणा आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुणा आई एफ डी एक्स प्लस सी से आंसर दे दीजिए। यहां पर सबसे ध्यान रखने वाली बात यह होती है, जो यहां पर e की पावर पी डी एक्स आप फाइंड कर रहे हैं आई एफ, उसमें प्लस सी नहीं लगाना, ये जो इंटीग्रेशन का पहला अपवाद है सर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चे जो अपने जब क्लास में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स होंगे वो, हाँ, तब वो इसका कोई वैसे रीजन नहीं है सर, तो इसलिए इसको हम अपवाद के रूप में ले सकते हैं, बाकी कोई मैथमेटिक्स में ऐसे एक्सेप्शन होते नहीं। ओके, यू स्टेटेड वेरी वेल, और आपने बहुत अच्छा आज इंटरव्यू दिया है। आपको पीडी क्लासेस के बारे में कैसे मालूम चला था? सर जैसे ही मैंने एनवीएस का जो एग्ज़ाम क्रैक किया, तो तुरंत ही मैंने इंटरव्यू के लिए जो वीडियो हैं वो खोजने शुरू किए, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना पैंडमिक के कारण आगे किसका है वो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर आ भी गया हूँ तैयारी करने के लिए। ओके, तो जैसे ही पता चला तो मैंने इंटरव्यू के लिए वीडियो खोजे, तो पीडी क्लासेज आया, मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सामने रखकर मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया। और उसके बाद तब तो मैं किसी काम से बिजी था, लेकिन अभी जो टाइम मिला है उसका उपयोग करते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जैसा मुझे दूसरा ही दिन है तो काफ़ी कुछ है, आपको दूसरे दिन ही? दूसरा ही दिन है तो काफ़ी कुछ है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। ओके, जिस वजह से मैं इतना बोल पा रहा हूँ, वरना पहले दिन तो इंटरव्यू भी जो इंट्रो है उसमें भी मुश्किल हो ही रही थी। ओके, और साधना की फ्रेंड सरिता भी यहीं से ही पढ़ के गई है भाई, और सरिता जो है वो एक सक्सेसफुल वीडियो को बन चुकी है, और मैं चाहता हूँ साधना भी जो गोरखपुर से वो भी जल्दी सक्सेसफुल बने।